हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीयूष क्रिएटिविटी। आप लोगों को मेरी चैनल पे फिर से स्वागत है। आप लोग अगर मेरी चैनल पे नए हो तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन जो दिख रहा है उसका दबाना भी मत भूलिए ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना मेरी वीडियोस को और मुझे सपोर्ट करते ही रहना जैसे अब तक करते आ रहे हो। तो आज हमारा टॉपिक है ऑक्सीडाइजर ईयरिंग्स। ये देखिए, मैं ऑक्सीडाइजर ईयरिंग्स बहुत सारे आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं ये वीडियो जो बना रही हूँ ये एक बेहतरीन ऑक्सीडाइजर ईयरिंग्स का है। मैं आप लोगों को दावे के साथ बोल सकती हूँ, और कोई यूट्यूबर नहीं दिखाया होगा। तो अगर आप लोग ऐसे ईयरिंग्स बनाना चाहते हो घर पे बहुत इजीली, तो मेरी वीडियो को इन तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ईयरिंग्स बनाना। तो मैंने यहाँ पे देखिए हुक लिया है ईयरिंग्स का, और ये देखिए ये हमेशा लाइक कोई नेकलेस बनाने में आप लोगों को काम आता है। तो कुछ आप लोग अगर दुकान में जाकर बोलोगे तो आपको मिल जाएगा। और ये मैंने जंप रिंग लिया है दोनों साइज़ का, बड़ा और छोटा का। और यहाँ पे जो जंप रिंग से ये देखिए दोनों टाइप का लिया है, ये देखिए इसका डिफरेंट साइज आपको पता चल जाएगा। तो आप मटेरियल्स की दुकान में जाओगे, जाके बोलोगे जो लाइक ट्रायंगल शेप का जो ऑक्सीडाइजर का जो लाइक रॉ मटेरियल आता है उसमें से आप मांगोगे तो आप लोगों को बाहर निकाल के दे देगा। या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज़ का, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, सॉरी इसीलिए। तो आप लोग ज़रूर जाइए और चेक कीजिए। ये देखिए, एक मैं जंप रिंग खोल लूँगी बड़ा वाला, और खोल के दो में इस जो ट्रायंगल शेप का जो ऑक्सीडाइजर है उसको डाल दूँगी। देखिए यहाँ पे डाल भी दिया मैंने, मेरे ऊपर का काम हो चुका है। अब नीच का देखिए, यहाँ पे और एक लूँगी, और एक लेने के बाद अब जो छोटा छोटा मैंने जो जंप रिंग लिया है उसको ऐसे अपने हाथ की मदद से खोल दूँगी। खोल दिया एक, ये देखिए ये हाथ से खुल जाएगा। तो अब इसके बीच में ये दोनों जो ऑक्सीडाइजर का मैंने त्रिभुज लिया है इन दोनों को बीच में मैं जंप रिंग डाल दूंगी, और एक जंप रिंग इसके अंदर। देखिए अब नीचे वाला दो जंप रिंग डाला मैंने, अब नीचे वाला जो जंप रिंग है उसका मुंह भी खोल के मैं इसको डाल दूंगी। ये देखिए अब इसको मैं टाइट कर दूंगी। अच्छे से टाइट कर देना हमें ताकि ये ना खुले जंप रिंग। नीचे वाले जो छोटे छोटे जंप रिंग यूज़ किया है उनको सबसे पहले टाइट करना है, बड़ा वाला जंप रिंग को सबसे पहले टाइट नहीं करना, उसमें और थोड़ी सी काम बाकी है। तो वो काम करने के बाद ही उसको टाइट करना है हमें। ये देखिए मैं टाइट कर दी हूँ यहाँ पे, बहुत ही आसान है। मतलब मैं इससे पहले आप लोगों से यही एक ट्रायंगल शेप वाला ईयरिंग्स का वीडियो शेयर किया, लेकिन उसमें सिंगल था। तो मैं सोचा कि ये सिंगल है, इसमें और थोड़ा सा रहता और थोड़ा सा भारी रहता तो अच्छा लगता और अच्छा लगेगा। वो छोटा छोटा बन गया है तो मैं सोच रही हूँ और कोई सी बना लूँ। फिर सोचते सोचते ये अचानक मेरी आइडिया आ गया मेरे दिमाग में, तो आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया। प्लीज़ 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 अगर आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगे। मैं अपनी तरीके से बना रही हूँ। अब देखिए ऊपर वाला जो जंप रिंग है उसको भी मैं, देखिए हमारे यहाँ पे वो कंप्लीट हो चुका है पूरा, आप अच्छे से देख लीजिए पूरा कंप्लीट। अब उसका जो मुँह है ऊपर वाला जंप रिंग का वो मैं खोल दूँगी फिर से। अब यहाँ पर जो हमारा हुक होता है ईयर रिंग का उसको डाल के इसका मुँह बंद कर दूँगी। अब इसको टाइटली बंद करना है। तो हाँ, ये आप पहन के कोई ओकेशन में भी जा सकते हो आप, लाइक अच्छा लगेगा। या फिर आप कॉलेज स्कूल कोई जो भी हो, स्कूल कॉलेज में भी जा सकते हो आप। अगर ऑफिस जाते हो तो ऑफिस में भी जा सकते हो पहन के, रेगुलर बेसिस पे अच्छा लगेगा। आशा करती हूँ मैं अच्छा लगेगा आप लोगों को। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए ईयरिंग्स। ये देखिए मेरे ईयरिंग्स बन के बिल्कुल रेडी है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मुझे बताना, प्लीज़ प्लीज़। मैं आप लोगों को कमेंट की इंतज़ार करूँगी यहाँ पे। हाँ देखिए बन गया, मैं और एक बना दूँगी। एक तो हो गया हमारे कंप्लीट, और एक बना लूँगी। और एक बनाने में आप लोगों को बहुत ही कम टाइम लगेगा, कम से कम मैं आप लोगों को बता सकता हूँ आप लोगों को 5 मिनट भी नहीं लगेगा। अगर आप बिगिनर्स हो फिर भी आप लोगों को 5 मिनट नहीं लगेगा। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा ये डिज़ाइन। देखिए पहनने में भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगता है ये ईयरिंग। तो मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़। मैं एक नई यूट्यूबर हूँ, आप लोगों को सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं बंगाली हूँ तो मेरी हिंदी बहुत बेकार है, इसीलिए मुझे माफ़ करना।
और प्लीज़ गालियाँ मत देना मुझे। जो भी हो, आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस पसंद आता है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। और इस इयररिंग्स घर पे बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए सामने है दुर्गा पूजा, बंगाली का सबसे बड़ा फेस्टिवल, दिवाली। आप उस पर भी बना के पहन सकते हो, खुद का बनाया हुई चीज़ क्यों नहीं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना, इस रेड वाले बटन को ज़रूर दबाना, और उसके पास में जो बेल आइकन है इसको दबाना मत भूलिए, ताकि मेरे सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप मेरे सारे वीडियो को इंजॉय कर सकते हो। और मेरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।